स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल एमएसएच में। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो फिलर गेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि फिलर गेज हमारा एक प्रकार का गेज डिवाइस है जिसका मेन जो उद्देश्य जो है किसी वर्क मेटिंग पार्ट्स में जो दो मेटिंग पार्ट्स होते हैं, जो दो मेटिंग वर्क पीस होते हैं उनके बीच जो गैप होता है उसको चेक करने के लिए हमारा ये फिलर गेज यूज होता है। देखने में हमारा ब्रेड का पत्ती जैसा होता है, 10 अलग अलग साइज का, अलग अलग साइज में इसमें स्टैंपिंग किए हुए रहते हैं और ये हमारा ये स्प्रिंग स्टील्स के द्वारा, हार्ड एंड टेम्पर्ड स्टील के द्वारा, स्प्रिंग स्टील के द्वारा बनाए जाते हैं जिसमें अलग अलग इसके स्ट्रिप सेट पाए जाते हैं अलग अलग साइजेस के जो इसमें स्टैंपिंग किए होते हैं। अभी जो मेरे पास आप फिलर गेज देख पा रहे हैं ये एक फिटर ट्रेड में जो ट्रेड है उसमें एक फिलर गेज हमारा सब डिवाइस है, उसमें ये फिलर गेज हमारा है। जनरली हमारा जो ये जो फिलर गेज है अभी जो ये सेट दिख पा रहे हैं इसका जो साइजेस हमारा ये 10 पीस का एक ब्लेड है जिसमें एक साइजेस जो आ रहा है हमारे इंच में वो 0.002 इंच से लेकर के 0.025 इंच तक है और ये बीटी सिस्टम में और एमएम जो है माइटिक सिस्टम में जिसका थिकनेस जो है वो 0.051 से लेकर के 0.635 एमएम इसका ये थिकनेस का ये ब्लेड हमारा इसमें पाया जा रहा है इस ब्लेड में फिलर गेज। ऐसे तो बहुत सारे इसके कन्वर्सन साइज के हिसाब से पाया जाता है, अगर इंच में हम देखें इसका कन्वर्सन अगर 0.025 देखें तो इसका कन्वर्सन करेंगे तो 0.635 मिलीमीटर इसका आएगा। इंच में भी पाया जाता है, मैट्रिक में भी पाया जाता है एक साथ, कभी कभी साधारण हमारा सिर्फ इंच में ही मिलता है और मैट्रिक में भी मिलता है। इसके जनरली इसके 4 सेट पाए जाते हैं हमारे, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 और सभी सेट में जो है वो ब्लेडों की संख्या जो है डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग पाई जाती है, किसी में 8 पाए जाते हैं, किसी में 9, किसी में 10। इसी तरह ये हमारे जो इसका एप्लीकेशन और बहुत सारा ऐसे एप्लीकेशन है, अगर इसका एप्लीकेशन का हम बात करें तो जनरली इसका एप्लीकेशन जो है किसी दो मैटिंग पार्ट में, जैसे दो मैटिंग पार्ट हमारा कोई एक वर्कपीस हो गया, कोई एक वर्कपीस फिटिंग जॉब हमारा जो है कोई एक फिटिंग जॉब है, ये जीए जॉब हमारा इसमें फिट हो रहा है। अब इसके बिटवीन अगर कोई गैप होता है तो उस गैप को हम लोग जस्ट इस फिलर गेज के द्वारा कितना गैप होगा, अगर ये गैप हमारा पूरा फिलअप होता है इस ब्लेड के द्वारा हमारा, जैसे इसको चेकिंग करेंगे हम लोग, ये अगर इसका गैप प्रॉपर फिलअप हो जाता है, अगर कुछ लाइट पासिंग होता है इसका गैप अगर देखते हैं हम लोग तो इसका मतलब हमारा ये जो ब्लेड से जो चेकिंग हो रहा जो गैप अभी ये दो जो पार्ट आपस में फिट हुआ है इसके बिटवीन कितना गैप है, क्लियरेंस है जिसको क्लियरेंस बोलते हैं, इसी के द्वारा हम लोग फिलर गेज के द्वारा चेक करते हैं। और भी ऐसे इसका बहुत सारा यूज़ है, जैसे हमारा सैफ में कोई बेयरिंग हमारा लगता है, जैसे आप लोग जानते हैं ऑटोमोबाइल में हमारा रेल इंजन में जो टेपर रोलर बेयरिंग जो लगता है जब बूश में उसका जो सैफ में हमारा जो बूश में जब बेयरिंग लगता है इसके बिटवीन कुछ क्लियरेंस रखा जाता है, वो क्लियरेंस भी हमारा फिलर गेज में जैसे फिलर गेज के द्वारा चेक किया जाता है। ऐसे तो ये अभी तो जो ये जनरल पर्पज़ के लिए वर्कशॉप पर्पज़ के लिए है, इससे बड़े अलग अलग साइज के भी पाए जाते हैं और इस ऑटोमोबाइल में भी मैक्सिमम इसका यूज़ है जैसे